नमस्कार बीटीएन न्यूज प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। हम हाजिर हैं समाचारों के साथ। पहले मुख्य समाचार। सीएए एनआरसी के आरोप प्रत्यारोप के बीच एक निजी कंपनी के सर्वेयर पर लोगों का उतरा गुस्सा। बनाया बंधक, लगाया एक पार्टी के पक्ष में काम करने का आरोप। पुलिस और अमन पसंद लोगों ने भारी मुश्किल से निकाला भीड़ से उस आरोपित को। मानव श्रृंखला की सफलता के लिए उतरे अली अशरफ फातमी, कहा राज्य स्तर पर होगा यह सफल। प्रशासन ने भी झोंकी पूरी ताकत, जगह जगह जिलाधिकारी ने भी की बैठक। और यातायात सप्ताह में कोई बड़ा कार्यक्रम तो नहीं, लेकिन गहन चेकिंग अभियान में दर्जनों वाहन पर जुर्माना। आगे समाचार विस्तार से, लेकिन थोड़ी देर। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज, इंतजार किसका? जाएं सर्राफ ऑर्थो स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर एस एन सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ रीढ़ हड्डी नस रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर प्रियंका भी सर्राफ स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ, डीएमसीएच के सामने लहरियासराय। दिल्ली पब्लिक स्कूल क्लास नर्सरी टू टेंथ सीबीएसई करिकुलम रजिस्ट्रेशन एंड एडमिशन ओपन ऑन 5 जनवरी 2020। इंग्लिश मीडियम स्कूल वैल्यू बेस्ड एजुकेशन, क्लीन एंड हेल्दी एनवायरमेंट, लर्निंग फॉर ऑल क्लासेस एंड वेल इक्विप्ड क्लासेस, मैग्निफिसेंट स्कूल बिल्डिंग, क्रिएटिव टीचिंग, स्मार्ट क्लासेस, टेक्नोलॉजी इनेबल्ड क्लासरूम्स। मार्शल आर्ट विल बी स्टार्ट, कंप्यूटर रूम अवेलेबल, ट्रांसपोर्ट अवेलेबल, सीजन 2020-2021। मिर्जापुर नियर सिटी लाइफ मॉल दरभंगा 7739108822879728557050। पेड़ लगाएं, धरती बचाएं। पेड़ लगाएं, धरती बचाएं। 19 जनवरी 2020 को मानव श्रृंखला बनाएं। तो आइए जिला पदाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्याग राजन एसएम महोदय का आम जनता के नाम अपील। आज जलवायु परिवर्तन संपूर्ण मानव जाति के अस्तित्व के लिए गंभीर चुनौती बना हुआ है। जब तक जल और हरियाली है, तब तक पृथ्वी पर जीवन सुरक्षित है। जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने के लिए जल संचयन, जल स्रोतों के संरक्षण, मौसम अनुरूप फसल लगाने, अक्षय ऊर्जा और हरित आवरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बिहार सरकार जल जीवन हरियाली के प्रति प्रतिबद्ध है। हम लोगों को अपने आने वाले पीढ़ी को ऐसा बिहार सौंपना है जिसमें जल जीवन हरियाली, नशा मुक्त बिहार, दहेज प्रथा, बाल विवाह जैसे कुरीति के अंत की अवधारणा हो। आइए मिथिला के हृदय स्थली दरभंगा जिला के संपूर्ण जनता फिर से एक बार अपनी भावी पीढ़ी के लिए 19 जनवरी 2020 रविवार के दिन 11:30 से 12 बजे तक हाथों में हाथ थामे विशाल मानव श्रृंखला बनाकर पुनः एक नया कीर्तिमान स्थापित करें। हाथ से हाथ मिलाकर आओ, बंधुत्व बढ़ाए, मानव श्रृंखला बनाकर जल जीवन हरियाली के संदेश फैलाए। लहरियासराय थाना अंतर्गत करमगंज मोहल्ले में एक निजी कंपनी के लिए वोटर के मूड का सर्वे करने पहुंचे एक युवक बुरी तरह फंस गए। किसी तरह अमन पसंद लोगों ने उन्हें बचाकर निकाला। मामला की जैसे ही सूचना मिली, जिला प्रशासन, पुलिस बल और स्थानीय शांति समिति के लोग और जो शांति प्रिय लोग हैं वो पहुंचे। कई लोग उस पर आक्रोशित हो गए, यह कहकर कि एक साजिश के तहत यह लोगों से कागजात मांग रहा है, जानकारी दे रहा है, लालच दे रहा है, और उसके बाद भीड़ जुटती गई। आक्रोशित भीड़ से बचाकर लोगों ने उसे एक घर में उसकी जान बचाई, पुलिस को सूचना दी। उसके बाद भारी मशक्कत के बाद पुलिस उसे वहां से निकालने में सफल हुई। लोगों का कहना है कि यह अलग अलग भ्रामक बयान दे रहा है। लोगों का यह भी कहना है कि इससे पहले सुबह में भी एक व्यक्ति आया था जिसे पकड़ लिया गया था, लेकिन एक स्थानीय जनप्रतिनिधि के कहने पर उसे छोड़ दिया गया। दूसरी बार जब यह दिन में आया तो आक्रोशित लोगों ने उसे घेर लिया।
एक विशेष व्यक्ति पार्टी से लोग उसे जोड़कर देख रहे थे और एक पक्ष के लोग इतने आक्रोशित हो गए कि मामला काफी गंभीर हो गया, जिसके बाद जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM एवं SSP बाबूराम के निर्देश पर भारी संख्या में पुलिस बल पहुंची और उस युवक को निकालकर थाने ले गई। भीड़ इतनी आक्रोशित थी कि थाना ले जाने वक्त भी पुलिस को काफी मशक्कत का सामना करना पड़ा। एक निजी कंपनी के लिए सर्वे कर रहा युवक करमगंज मोहल्ला में लोगों के हत्थे चढ़ गया। उस पर तरह तरह के आरोप लगने लगे और वह अपना बयान भी बदलता गया और इससे स्थानीय लोगों का शक गहराता गया। देखते देखते वहां भीड़ इकट्ठी हो गई। कोई उसे एक विशेष राजनीतिक व्यक्ति, राजनीतिक पार्टी का लोग बताने लगा तो जितनी मुंह उतनी बातें। कोई उसे NCR CAA रजिस्टर तैयार करने के लिए उसका एजेंट बताने लगा। उक्त व्यक्ति ने जब यह बताया कि उसका घर उत्तर प्रदेश है तो लोगों का शक और बढ़ गया और भीड़ जबरदस्त आक्रोशित हो गई और उसने कहा कि यह एक एजेंट है जो मुसलमानों के बीच अल्पसंख्यकों के मोहल्ले में जाकर उनकी जानकारी, आधार कार्ड इत्यादि इकट्ठा कर रहा था। स्थानीय कुछ अमन पसंद लोगों ने किसी तरह उसे बचाकर एक सामुदायिक भवन में बंद किया रखा, लेकिन बाहर भीड़ आक्रोशित होती गई और देखते देखते भीड़ की संख्या हजारों में पहुंच गई। अंदर उससे पूछताछ की जाने लगी और वह युवक बताने लगा कि उसके साथ कुछ और लोग हैं। यह देख जब खबर आई तो बाहर और लोग आक्रोशित हो गए कि एक साजिश के तहत अल्पसंख्यकों के मोहल्ले का सर्वे कराया जा रहा है। एक स्थानीय जनप्रतिनिधि पर भी आरोप लगने लगा कि उन्होंने एक व्यक्ति को सुबह वार्ड पार्षद को कहकर छुड़वाया था और उसके ठीक एक दो घंटे के बाद दूसरा व्यक्ति सर्वे कर रहा है, यह एक साजिश है। आक्रोशित भीड़ उसे किसी तरह बाहर निकालने की मांग कर रही थी, जबकि स्थानीय लोग और पुलिस प्रशासन, शांति समिति के लोग उसे बचाने के प्रयास में थे। काफी मशक्कत के बाद उसे बाहर निकाला गया, लेकिन इस दरमियान एक घंटे तक वहां अफरा तफरी का माहौल रहा और उसे बचाने वाले लोग भीड़ का को किसी तरह समझाते रहे। का सर्वे कर रहे थे जैसे कि यहाँ जो विधायक अच्छा काम कर रहे हैं कि नहीं, वही एक ओपिनियन पोल निकल रहा है। किसके कहने पे, किसके कहने पे सर्वे कर रहे हैं? कौन है यहाँ तुम्हारा? राहुल। किसके कहने पे, कौन सा कंपनी है या फिर अपने मन किसके कहने पे आए? लीटेक करवा रहे भैया, बोलते हैं लीटेक। लीटेक ये क्या करती है कंपनी? ये जैसे ये ले करके फिर ABP न्यूज को प्रोवाइड करती है। इसका वेबसाइट नंबर बताओ। लीटेक डालिए। स्पेलिंग बताओ, स्पेलिंग बताओ, स्पेलिंग बता रहे हैं। RSS के आदमी है सिंह और जितेंद्र नाम, अपने अपने वालिद का नाम, पिता का नाम बता रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हमारी पूरी टीम है, हम टीम के साथ आए हैं, हमारी टीम उधर छूट गई। कैसे पकड़ में आया, कहाँ पे ये लोग था, कहाँ से ये पकड़े? ये किसी घर में, हमारे बगल में इस वाला घर है करमगंज में, उसी में घर के खातून से दस्तखत करवा रहा। आप लोग क्या मांग कर रहे हैं, ये जो पकड़ाया क्या लग रहा है? हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि इस तरह की चीजों को बंद किया जाए और इसको सख्त से सख्त सजा दी जाए, ताकि एक मुसलमान और किसी के घर में तो कैसे जा सकता है बगैर किसी इंफॉर्मेशन के, बगैर किसी इत्तला के। का टाइम है नहीं, ये सर्वे कैसा कर रहा है? जब लोगों ने उसे पूछना चाहा तो उसके साथ तीन लड़के थे, दो लड़के जब भागे तो इसमें लोगों को शक हुआ, लोगों ने पकड़ा इसको, तो ये 10 तरीके की बात बोलने लगा और फिर वहाँ पर लोगों का भीड़ जमा हुआ। पता ये चला कि जो जिसके पास आधार कार्ड है, ये जो अपने कंपनी का आई कार्ड बनाया हुआ है, या इसके पास जो है ये उत्तर प्रदेश का है और ये जो कंपनी का दिखा रहा है वो मुंबई का दिखा रहा है, और ये बातें बनाता रहा। पुलिस प्रशासन को इसके हवाले कर दिया गया। ये जांच का विषय है कि ये क्यों यहाँ आया था, ये और ये क्या काम कर रहा था, क्योंकि इसके पास जो पकड़ाया है एक लिस्ट है जिसपे भारतीय जनता पार्टी संकलन है, जिसके नीचे नाम, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, ये तीन चीज़ का कॉलम बना हुआ है जिस पर वो इस चीज़ को कलेक्ट कर रहा था। अनावश्यक रूप से कोई काम कंपनी का लेकर के आया है, उसमें लोगों को शक हुआ कि बोला कि हम सर्वे कर रहे हैं, इसीलिए क्या कहलाता है कि इस मोहल्ले के लोग विचार होते भाई प्रशासन को बुलवा करके हैंड ओवर कर दिया है। और कुछ ही उसी में असामाजिक तत्वों के लोग हैं, इसको राजनीतिक रूप देना चाहते हैं। अब किस पक्ष का कहना है ये जांच की विषय है। बताया जाता है कि उक्त कंपनी के कर्मचारी 3 से 4 की संख्या में सर्वे कर रहे थे और उसके बाद यहाँ स्थानीय लोगों को शक हुआ। एक दिन पहले ही
पोलो मैदान लहरियासराय में CANCR के विरोध में बड़ी सभा हुई थी और इसमें वहां से आह्वान किया गया था कि कोई कागज नहीं दिखाना है। इसी के तहत यह लगातार लोग आक्रोशित भी थे और कुछ महिलाओं ने जब पुरुषों से शिकायत की तो उसके बाद इससे पूछताछ होने लगी और आनन फानन में एक व्यक्ति को पूरा विवरण लिया गया तो शक हुआ। उसके बाद एक स्थानीय जनप्रतिनिधि ने से पार्षद ने बात की और उसके सही होने की पुष्टि पर उसे छोड़ दिया गया। लेकिन एक घंटे के बाद पुनः दूसरा व्यक्ति जब गहन छानबीन कर उक्त व्यक्ति के यहाँ पहुँचा तो धीरे धीरे यह सूचना आग की तरह फैलती चली गई और देखते देखते भीड़ दर्जनों सैकड़ों नहीं हजारों की संख्या में करमगंज मोहल्ला में जमा हो गया। और उसके बाद जब स्थिति काफ़ी गंभीर हो गई और लोग उसे मारने पर उतारू हो गए तो कुछ स्थानीय अमन पसंद लोगों ने उसे भीड़ से बचाकर सामुदायिक भवन में बंद किया। पुलिस को शांति समिति के लोगों को सूचना दी गई और दर्जन भर अमन पसंद लोग जब उसे पूछताछ कर रहे थे तो बाहर रह रहकर भीड़ आक्रोशित होती रही कि उसे निकाला जाए। भीड़ इतनी बढ़ गई कि पुलिस को यह साहस नहीं हो पा रहा था कि 5-6 पुलिसकर्मियों की बदौलत उसे निकाला जाए। अंत में जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM और वरीय पुलिस अधीक्षक बाबू राम ने भारी पुलिस बल भेजा और उसके उपरांत स्थानीय अमन पसंद लोगों के सहयोग से एक घेरा बनाकर किसी तरह उसे निकाला गया। लेकिन भीड़ इतनी आक्रोशित थी कि ले जाते वक्त भी उस पर हमला करने की कोशिश की गई जो नाकाम रहा। अब पुलिस से गहन पूछताछ कर रही है कि किस उद्देश्य से वह आया था, किस कंपनी के लिए वह काम करता है और किस तरह यह घटना घटी। इस संदर्भ में वार्ड पार्षद रियासत अली ने मोहल्लेवासियों की ओर से लिखित आवेदन दिया है और पूरे मामले का बयान दर्ज करवाया है, जबकि कंपनी का कहना है कि स्थानीय स्तर पर वह बाहर के लोगों से सर्वे करवाती है ताकि कोई पक्षपात नहीं हो और इसी के तहत उत्तर प्रदेश से उक्त युवक को लगाया गया था ताकि यहाँ के स्थानीय लोगों से प्रभावित न हो और निष्पक्ष सर्वे हो। पुलिस उसे हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। अब देखना है कि पुलिस किस निष्कर्ष पर पहुँचती है और अंततः क्या कार्रवाई करती है। सरफराज आलम, BTN न्यूज। बिहार सरकार की ओर से राज्य स्तरीय मानव श्रृंखला का आयोजन किया जाएगा। इसकी सफलता के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री अली अशरफ फातमी मीडिया से मुखातिब हुए और से बाद पूरी तरह खुलकर अली अशरफ फातमी जो जदयू में गए हैं आए और उन्होंने कहा कि इस आयोजन को जो मानव से जुड़ा है जल जीवन हरियाली के तहत श्रृंखला को सफल बनाया जाएगा और इतिहास दोहराया जाएगा। 3 दशक से लालू प्रसाद यादव के सिपहसालार बने और प्रमुख राजनेता अली अशरफ फातमी जो कुछ महीने पहले जदयू में उन्होंने नीतीश कुमार का दामन थामा है जमकर खुलकर नीतीश कुमार के पक्ष में उतरे, मानव श्रृंखला के लिए पूरी तैयारी का ब्यौरा दिया। कहा कि यह जल और हरियाली से जुड़ा है, जीवन सफल बनाना है, मानव श्रृंखला को सफल बनाना है, इतिहास दोहराना है। मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में पूरा बिहार आगे बढ़ रहा है और इसमें इसका दुष्प्रचार करने वाले पीछे छूट जाएंगे, बिहार आगे बढ़ेगा। एक बड़ा कार्यक्रम माननीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री जी का जल जीवन हरियाली के तहत 19 तारीख को मानव श्रृंखला का जो कार्यक्रम है उसमें आपको भी दावत देते हैं कि आप उस दिन आए शामिल हों, इसलिए कि यह सबके जीवन से जुड़ी हुई चीज है। दुनिया के अंदर जो आज आप देख रहे होंगे जिस तरह का परिवर्तन
आ रहा है जो ओजोन लेयर के कम होने की वजह कर और साथ ही जो कार्बन जिस तरह से ज्यादा जरूरत से ज्यादा एटमॉस्फेयर में आबोहवा में जा रहा है जिसके कारण पूरे दुनिया के अंदर पर्यावरण खतरे में है। जदयू में जाने से के बाद मोहम्मद अली अशरफ फातमी लगातार बड़े कार्यक्रम में तो नहीं रहे, लेकिन इस बार देखना है कि जो सरकार भी जिसमें समर्थन कर रही है जदयू का यह कार्यक्रम है, भाजपा का सहयोग है। अली अशरफ फातमी 3 दशक से कद्दावर नेता के रूप में जाने जाते हैं, मानव श्रृंखला में उनका कितना सहयोग रहता है कितनी गहराई तक यह समय बताएगा। सरफराज आलम, BTN न्यूज। 23 फरवरी को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दरभंगा आएंगे। असराहा में रेजिडेंशियल स्कूल एवं मौलाना आजाद उर्दू यूनिवर्सिटी का शिलान्यास करेंगे। साथ ही पूर्व विधायक सुल्तान अहमद अंसारी जो बीमार चल रहे हैं उनके आवास पर जाकर उनका स्वास्थ्य हाल जानेंगे। मुख्यमंत्री के संभावित कार्यक्रम को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी ने यह जानकारी दी। और वो यह है कि माननीय नीतीश कुमार जी का एक रोजा दौरा 23 फरवरी के लिए फिक्स हुआ है दरभंगा में, जिसमें वो 3 जगह उनके जाने का अभी तक कार्यक्रम है। एक असराहा में रेजिडेंशियल माइनॉरिटी स्कूल, जैसे दलित और पिछड़ों के लिए बनता है उसी तरह से पूरे बिहार में हर जिला में एक एक रेजिडेंशियल स्कूल बनना है, तो उसमें मैं समझता हूँ कि दरभंगा विल बी द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट और ये असराहा गांव में ये स्कूल आएगा। साथ ही वफ की प्रॉपर्टी है मिल्लत कॉलेज के बराबर में, वहां पर एक कम्युनिटी सेंटर और कई प्रोजेक्ट्स हैं। सरफराज आलम, BTN न्यूज। जल जीवन हरियाली, नशा मुक्ति, बाल विवाह, दहेज प्रथा उन्मूलन को लेकर 19 जनवरी को आयोजित मानव श्रृंखला में शामिल होने हेतु नगर निगम की ओर से मिथिला विश्वविद्यालय के चौरंगी पर मानव श्रृंखला का अभ्यास किया गया, जिसमें 4 स्कूलों के छात्र छात्राएं और निगम कर्मी शामिल थे। जल जीवन हरियाली, नशा मुक्ति, बाल विवाह, दहेज प्रथा उन्मूलन को लेकर 19 जनवरी को आयोजित मानव श्रृंखला में शामिल होने हेतु नगर निगम की ओर से मिथिला विश्वविद्यालय के चौरंगी पर मानव श्रृंखला का अभ्यास किया गया, जिसमें 4 स्कूलों के छात्र छात्राएं और निगम कर्मी भी शामिल थे। वीरेंद्र कुमार, BTN न्यूज। बताने की 19 जनवरी 2020 को जो मानव श्रृंखला बनेगी उससे रिलेटेड नगर निगम क्षेत्र में जो भी स्कूलों के द्वारा ये पहल की गई है कि बच्चे यहाँ पे आए और मानव श्रृंखला 19 तारीख को जो बनने जा रही है उससे पहले भी एक छोटी सी मानव श्रृंखला बनाए, जिससे कि जन जागरूकता और बढ़े। हम लोग भी यहाँ पे आए हैं और बच्चों में काफ़ी उत्साह देखने को मिला है, बहुत तरीके के रंगीन पोस्टर्स देखने को मिले हैं जो कि पर्यावरण से संबंधित है, पर्यावरण बचाव से संबंधित है, तो मेरे ख्याल से इस प्रकार की पहल बहुत ही उत्तम है। सर, यहाँ अगर देखा जाए तो दिया जा चुका है जो यहाँ पे चिकित्सा का जहाँ तक प्रश्न है ये एम्बुलेंस नियर बाय है, उसको अभी खबर भी कर दी गई। जल जीवन हरियाली, नशा मुक्ति, बाल विवाह, दहेज प्रथा उन्मूलन के लिए 19 जनवरी को आयोजित मानव श्रृंखला की सफलता है तो जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM ने क्योटी एवं मनीगाछी प्रखंड के सेक्टर पदाधिकारी, नोडल पदाधिकारी एवं आम जन प्रतिनिधियों के साथ तैयारी की समीक्षा की। जल जीवन हरियाली, नशा मुक्ति, बाल विवाह, दहेज प्रथा उन्मूलन के लिए 19 जनवरी को आयोजित मानव श्रृंखला की सफलता हेतु
जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने केवटी मणिगाछी प्रखंड के सेक्टर पदाधिकारी नोडल पदाधिकारी एवं आम जन प्रतिनिधियों के साथ तैयारी की समीक्षा की। सत्येंद्र कुमार, बीटीएन न्यूज। बाकी है अभी और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले रुकेंगे लेके। एक बार चार्ज करें 80 किलोमीटर चलाएं। आई एम इलेक्ट्रिक, आई एम द फ्यूचर। नो लाइसेंस, नो रजिस्ट्रेशन, नो इंश्योरेंस, नो पोल्यूशन। ओनली युवराज हीरो इलेक्ट्रिक। हीरो इलेक्ट्रिक करें सालाना 36,000 रुपए से भी ज्यादा की बचत। इजी फाइनेंस अवेलेबल। नमस्कार, युवराज हीरो इलेक्ट्रिक में आप सबका स्वागत है। युवराज हीरो इलेक्ट्रिक, सैद नगर, एक्मी रोड, लहेरा सराय, दरभंगा। होली मिथिला इंटरनेशनल स्कूल एफिलिएटेड टू सीबीएसई न्यू दिल्ली एंड इंग्लिश मीडियम को एजुकेशन एंड रेसिडेंटल स्कूल, रजिस्ट्रेशन ओपन फॉर द सीजन 2019-20। कैरियर ओरिएंटेड नेचर फार्मिंग गाइडलाइंस, अट्रैक्टिव कैंपस विथ हेल्दी इंग्लिश इन्वायरमेंट, क्लासरूम्स विथ स्मार्ट स्क्रीन्स, प्रोजेक्टर्स एंड क्लोज सर्किट कैमराज, स्पेशल क्लासेस ऑफ मॉडल एजुकेशन, स्पेशल फैसिलिटीज ऑफ फॉरिजन लैंग्वेज संस्कृत उर्दू क्लासेस, कंप्यूटर एंड साइंस लेबोरेटरीज विथ मॉडर्न इक्विपमेंट, हाईटेक ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड SMS अलर्ट सिस्टम। होली मिथिला इंटरनेशनल स्कूल, खाजासराय, लहरियासराय, दरभंगा। कॉन्टैक्ट 7061845006, 9234928396। जल बचाएं, पौधे लगाएं। जल बचाएं, पौधे लगाएं, अपना जीवन सुरक्षित बनाएं। 19 जनवरी 2020 के मानव श्रृंखला को खास बनाएं। तो आइए अब हम सुनते हैं नगर आयुक्त नगर निगम दरभंगा घनश्याम मीना महोदय का अपील। वर्तमान परिदृश्य में हम देखते हैं कि पर्यावरण में जो परिवर्तन हो रहा है, जलवायु परिवर्तन, वो बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है। उसी चीज़ को माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहचाना और उसी क्रम में 19 जनवरी 2020 को पूरे बिहार में मानव श्रृंखला का निर्माण किया जाना है। उसी क्रम में मैं पूरी बिहार की जनता से और स्पेशली दरभंगा जिले के जितने भी हमारे नगरवासी और जिले के वासी हैं, उनसे यही अपील करता हूँ कि सभी लोग 19 जनवरी 2020 को अपने घर से निकल कर 11:30 से बीच में जो मानव श्रृंखला बनाई जानी है उसमें सम्मिलित हों, ताकि पूरे भारतवर्ष में और पूरे विश्व में एक मैसेज जाए दरभंगा की धरती से कि जो जितने भी हमारे बिहारवासी हैं वो अब जो पर्यावरण की जितनी भी समस्याएं हैं उनको पहचान चुके हैं। और उसी क्रम में हम लोग ये संकल्पित हैं कि आने वाले समय में हम पर्यावरण का बचाव करेंगे और उसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। साथ ही मैं ये भी चाहूँगा कि और भी जो इश्यूज़ हैं, चाहे वो दहेज उन्मूलन का हो और बाल विवाह संबंधित जो इश्यूज़ हैं और नशा मुक्ति से संबंधित जो हमने पहले भी प्रण लिया है उसी को हम करने के प्रति कृत संकल्पित हैं। और ये जो आने वाली मानव श्रृंखला है उसमें हम सभी लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे और पूरे समाज को और पूरे बिहार को और पूरे भारतवर्ष को गौरवान्वित करेंगे। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत है। हम बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। CAA NRC के आरोप प्रत्यारोप के बीच एक निजी कंपनी के सर्वेयर पर लोगों का उतरा गुस्सा। बनाया बंधक, लगाया एक पार्टी के पक्ष में काम करने का आरोप। पुलिस और अमन पसंद लोगों ने भारी मुश्किल से निकाला भीड़ से उस आरोपित को। मानव श्रृंखला की सफलता के लिए उतरे अली अशरफ फातमी, कहा राज्य स्तर पर होगा यह सफल। प्रशासन ने भी झोंकी पूरी ताकत, जगह जगह जिलाधिकारी ने भी की बैठक। और यातायात सप्ताह में कोई बड़ा कार्यक्रम तो नहीं, लेकिन गहन चेकिंग अभियान में दर्जनों वाहन पर जुर्माना।
वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम के निर्देश पर मोटरसाइकिल चेकिंग अभियान का आयोजन लगातार चल रहा है और इसी के तहत कर्पूरी चौक, लहरियासराय, दोनार इत्यादि में चेकिंग की गई। कई गाड़ियों को बिना कागजात, ड्राइविंग लाइसेंस इत्यादि, बिना हेलमेट के पकड़ा गया, जिनसे काफी संख्या में ये जो पकड़ाए थे उनसे जुर्माने की राशि वसूल की। वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम के निर्देश पर मोटरसाइकिल चेकिंग अभियान का आयोजन किया गया कर्पूरी चौक लहरिया सराय में। गाड़ियों के कागजात, ड्राइविंग लाइसेंस, हेलमेट चेक किए गए। हेलमेट नहीं रहने पर गाड़ी चालकों से कुल 4,000 रुपए का चालान काटा गया। कितने लोगों को फाइन पे अभी तक तो चार्ज किया गया, बाद में सर्चिंग में टाइम गया, काफी टाइम गया। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय इंटर कॉलेज बुसु प्रतियोगिता का आयोजन किया गया कुमार सिंह महाविद्यालय में। कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार सिंह ने इसका उद्घाटन किया। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय इंटर कॉलेज बुसु प्रतियोगिता का आयोजन किया गया कुमार सिंह महाविद्यालय में। कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार सिंह ने इसका उद्घाटन किया। प्रतिभागियों को मैं अपनी शुभकामना देना चाहूँगा, उन्हें बधाई भी देना चाहूँगा, उन्होंने इस नए खेल में भाग लिया और साथ ही साथ कुंवर सिंह महाविद्यालय को इस बात के लिए धन्यवाद कि उन्होंने इस कार्यक्रम करवाने के लिए, इस टूर्नामेंट को करवाने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली। मैं इस टूर्नामेंट के सफलतापूर्वक सम्पन्न होने की कामना करता हूँ। बहुत कम कॉलेजों ने भाग लिया है। गेम नया है, धीरे धीरे इसके प्रति जो होगा लोगों की जागरूकता होगी और पॉपुलरिटी गेन करेगा। आने वाले समय में ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज में भाग लेंगे क्योंकि नया गेम है, अभी 21 साल पहले इंट्रोड्यूस किया गया है। इंटर कॉलेज टूर्नामेंट उशो जो बिल्कुल नया खेल है, इसका आयोजन करने का मौका कुंवर सिंह महाविद्यालय को मिला, जिसके अंदर में तकरीबन अभी तक 60 टीमें हमारे यहाँ आ चुकी हैं, 40 प्रतिभागी अभी तक हमारे पहुँच चुके हैं। इस खेल का उद्घाटन अभी माननीय कुलपति ने किया है और तमाम जो खिलाड़ी आए हैं हम उनसे यही कहना चाहेंगे कि वो खेल स्पीड के साथ खेलें, खेल चूँकि नया है अनुशासन का ख्याल रखें और खेल के प्रति सबों को लगाव होना चाहिए, क्योंकि स्वस्थ ही बॉडी के अंदर में स्वस्थ दिमाग होता है। इसलिए सबों से आग्रह है कि पढ़ाई के साथ साथ खेल पर भी ध्यान दें। क्या दिवसीय प्रतियोगिता? ये 2 दिवसीय प्रतियोगिता है, लेकिन चूँकि प्रतिभागी कम है इसलिए 2 दिवसीय प्रतियोगिता आज और कल होगा, कल इसका समापन समारोह है। पुरस्कृत भी किया जाएगा? जी हाँ, पुरस्कृत सबको किया जाएगा। कहाँ कहाँ से ये खिलाड़ी आए? ये खिलाड़ी अभी 4 बाहर के डिस्ट्रिक्ट से आए हैं, बेगूसराय से, मधुबनी से, समस्तीपुर से और दरभंगा से भी है, 4 डिस्ट्रिक्ट खिलाड़ी। कितनी उत्साह इस खेल को लेकर लोग? खेल को लेकर के चूँकि ये बिल्कुल नया खेल है इसलिए लोगों को पता भी नहीं है कि अभी उशू क्या है, ये बिल्कुल चाइनीज या फिर जापानीज खेल है और इसे खेलने का जो अभी हम लोगों ने तरीका देखा है वही बिल्कुल निराला तरीका है, तो इसलिए लोगों के अंदर में नया खेल है, उत्साह होना चाहिए। क्या कुछ खेल है जो यहाँ पे आयोजन किया गया है? ये उशु खेल है जिसका आयोजन यहाँ पे है। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में अंतर महाविद्यालय उशु टूर्नामेंट का आयोजन कुंवर सिंह महाविद्यालय परिसर में किया गया है। इसके चेयरमैन महाविद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर मोहम्मद रहमतुल्ला साहब हैं और ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी मैं खुद हूँ डॉक्टर अशोक कुमार सिंह, NSS प्रोग्राम अफसर, राष्ट्रीय सेवा योजना का कुंवर सिंह महाविद्यालय और माननीय कुलपति जी और रजिस्ट्रार साहब और खेल पदाधिकारी सभी लोग आए थे इस उद्घाटन समारोह में। सबसे बड़ी अहम बात है कि खेल तो नया है लेकिन विभिन्न महाविद्यालय जो प्रतिभागी और खेल मैनेजर जो उत्साह दिखाया है इससे लगता है कि खेल के प्रति जो जागरूकता है वो जागरूकता आम नए नौजवानों में एक उत्साह का वातावरण है। अब मुझे लगता है कि आने वाले समय में जो ये छोटा रूप पकड़ा है उसी कॉलेज से आए हैं लेकिन आने वाले कॉलेज में जो विभिन्न कॉलेज से जो प्रतिभागी भी नहीं भी है फिर भी वो आए हैं और कुंवर सिंह मतलब हजारों बच्चे साथ में जो इस खेल का आनंद ले रहे हैं यह उत्साहवर्धक है और निश्चित रूप से आने वाले जितने खेल के प्रतिभागी हैं, खेल के आयोजक हैं, उन तमाम लोगों को बधाई और शुभकामना देना चाहता हूं कि खेल के विकास से मानसिक विकास होता है और मानसिक विकास से समाज और देश का विकास होता है। और मैं सरफराज आलम, BTN न्यूज़।
जिला लोक जनशक्ति पार्टी की बैठक हुई और इसकी अध्यक्षता की अध्यक्ष गगन कुमार झा ने, जबकि मुख्य अतिथि बिहार लोजपा प्रदेश महासचिव प्रभारी संजय सिंह थे। जिला लोक जनशक्ति पार्टी की बैठक जिला अध्यक्ष गगन कुमार झा के नेतृत्व में किया गया। मुख्य अतिथि थे बिहार लोजपा प्रदेश महासचिव सह सदस्यता प्रभारी संजय सिंह ने भी संबोधित किया। पार्टी के द्वारा आज पहला बार, क्योंकि खरमास चल रही है, हमारी पार्टी के द्वारा 28 नवंबर से ही सदस्यता रसी चल रही है, सदस्यता चल रहा था। आज पहला, क्योंकि ये मिथिलांचल का धरोहर हृदय स्थल दरभंगा जगह है, दरभंगा जगह में खरमास को भी मानते हैं, तो हम लोग खरमास में विधिवत उसका सदस्यता का शुरुआत नहीं किए थे। आज खरमास बीत जाने के बाद आज हमारे प्रभारी महोदय श्री संजय सिंह जी आए हैं और सदस्यता अभियान का शुरुआत दरभंगा जिला से शुरू हुई है। जैसा कि आपको हमारे प्रभारी महोदय और पूर्व वक्ता आर के चौधरी जी, डॉक्टर शाहनवाज अहमद काफी साहब जी ने बताया है, लोक जनशक्ति पार्टी 3800 जिला में सबसे ज्यादा एक नंबर पर अब रहेगी। दरभंगा जिला में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चिराग पासवान जी के आदेशानुसार आज से यहाँ पे सदस्यता अभियान का शुभारंभ हुआ है। यहाँ से सदस्यता अभियान पहले भी चल रहा था, यहाँ हमारे जो साथीगण हैं वो गाँव गाँव में जाकर सदस्य बना भी रहे थे, लेकिन इसकी शुरुआत, क्योंकि हम सदस्यता अभियान के संयोजक हैं, इसलिए आज मेरे द्वारा इसकी शुरुआत की जा रही है। बात करते हैं राजनीति की, राजनीति किस करवट लेगी? जी हां, राजद विधायक जो क्योटी से हैं फराज फातमी इन दिनों अपने ही नेता से सिर्फ नाराज चल रहे हैं और कई तीर मार रहे हैं अपने नेता पर, उनके सुर भी बागी होते जा रहे हैं। जब एक दिन पहले मकर संक्रांति में दही चूड़ा भोज में वे महागठबंधन के भोज में न जाकर पसंद किया और जदयू की ओर से जो दही चूड़ा भोज था उसके स्वाद को लेते देखे गए और अपने ही नेता तेजस्वी यादव पर साधा निशाना खड़ा किया, सवाल कहा कि जब मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कर दिए अपने विचार तो फिर क्यों हो रहा है यह कार्यक्रम, वो तेजस्वी यादव भी था। राजद विधायक फराज फातमी इन दिनों अपने ही नेता से न सिर्फ नाराज दिख रहे हैं बल्कि उनके सुर भी बागी होते जा रहे हैं। खूब की मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तारीफ और अपने ही नेता तेजस्वी यादव पर साधा निशाना। तेजस्वी यादव के दौरे पर ही सवाल खड़े करते हुए कहा कि उनके पास कोई मुद्दा नहीं, इसलिए 2020 के चुनाव में वोट की खातिर कर रहे हैं सब कुछ। देखिए, मैं तो मानता हूँ कि जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिहार के कार्य, जिस तरीके से एक चेंज लाया है बिहार के अंदर, वो एक बहुत ही सराहनीय है। 15 साल के अंदर सही में अगर विकास की अगर समझ गति बढ़ी है बिहार के अंदर, वो माननीय मुख्यमंत्री जी के ही डायरेक्शन पे हुई है, उनके उनके लीडरशिप में हुई है। इसमें कोई बात छुपी हुई नहीं है, चाहे वो सड़क का मामला हो, बिजली का मामला हो, स्वास्थ्य का मामला हो, एजुकेशन का मामला हो, हर फील्ड में बिहार आगे बढ़ा है और एक इसकी सराहना करनी चाहिए। इसको मुझे लगता है सभी लीडर सभी पार्टी से ऊपर उठ के सब इसको एक्सेप्ट करते हैं। तेजस्वी जी दल के नेता है, हमारे नेता है, अभी तो मैं उस पार्टी में हूँ और जिस तरीके से वो जो इस मुहिम को लेकर के चल रहे हैं, अभी सुना है कि किशनगंज आज कार्यक्रम है, मतलब मुझे नहीं समझ में आता है, शायद 20 का चुनाव है, उनको कोई मुद्दा नहीं है तो इसी मुद्दे को लेकर के चल रहे हैं। जब बिहार के अंदर स्पष्टता से चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्लियर कर दिया अपना स्टैंड कि किसी भी हाल में हम NRC बिहार में नहीं लागू करने देंगे, तो इस मुहिम में तो उनको उनका समर्थन देना चाहिए, उनको मदद करना चाहिए कि बात सही है। लेकिन अब वो अब राजनीतिक कोई मंशा रही होगी, शायद चुनाव की मंशा है, वोट की मंशा, इसी वजह से वो घूम रहे हैं, बाकी तो कोई उनके पास मुद्दा नहीं है। एक महीना चमकी बुखार का मामला हुआ, बाढ़ आया किशनगंज में, उस जहाँ जा रहे हैं सीमांचल में, वहाँ तो दो दो मरतबा बाढ़ आया तो वो नहीं गए। तो कम से कम जिस मुद्दे जो सामाजिक मुद्दे हैं, जो जुड़े हुए मुद्दे हैं, जो गांव से जो लोगों से जुड़े हुए मुद्दे हैं, उसको समझने की ज़रूरत है। और ये जो एक सेंटिमेंटल मुद्दा है, इसको राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना चाहिए, मेरा मानना यही है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, जल जीवन हरियाली का कार्यक्रम जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है शुरुआत की, बहुत सराहनीय कार्यक्रम, और इसमें बिहार असेंबली के अंदर तमाम दल ने इसमें इस मुहिम के लिए पार्टिसिपेट किया और कमिटमेंट जाहिर की थी और 8-8, 9-9 घंटे मीटिंग चली थी विधानसभा के अंदर, सभी दल के लोग नेता मौजूद थे और ये एक अच्छी शुरुआत है भाई। ये तो एक सामाजिक काम है,
सोशल काम है, इसमें तो सबको पार्टिसिपेट करना चाहिए। ये तो हम लोगों के पर्यावरण की सुरक्षा के लिए, साथ साथ जल जीवन का क्या मतलब है, मतलब आज जिस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है पूरे देश के अंदर, उसको बचाने के लिए एक अच्छी शुरुआत माननीय मुख्यमंत्री जी ने की, उसकी सराहना करनी चाहिए और उसमें सबको पार्टिसिपेट करना चाहिए, दल से ऊपर उठ के पार्टिसिपेट करना चाहिए। सत्येंद्र कुमार, BTN न्यूज। तो ये थे अब तक के समाचार। विदा लेने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। CAA NRC के आरोप प्रत्यारोप के बीच एक निजी कंपनी के सर्वेयर पर लोगों का उतरा गुस्सा। बनाया बंधक, लगाया एक पार्टी के पक्ष में काम करने का आरोप। पुलिस और अमन पसंद लोगों ने भारी मुश्किल से निकाला भीड़ से उस आरोपित को। मानव श्रृंखला की सफलता के लिए उतरे अली अशरफ फातमी, कहा राज्य स्तर पर होगा यह सफल। प्रशासन ने भी झोंकी पूरी ताकत, जगह जगह जिलाधिकारी ने भी की बैठक। और यातायात सप्ताह में कोई बड़ा कार्यक्रम तो नहीं, लेकिन गहन चेकिंग अभियान में दर्जनों वाहन पर जुर्माना। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। इस प्रसारण से अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र और आसपास की खबरों को समेटे होगी पुनः मुलाकात। नमस्कार, जय।